पवन सिंह जी के टीम से दीपक सिंह जी बोलने की आउट हो गए हैं। दीपक सर हमसे जब भी मिले हैं बहुत अच्छे से मिले हैं। पवन सर के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है, अच्छा ही सोचा है। कैसा लगा पवन जी के साथ इस फिल्म में काम करके? बहुत अच्छा लगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी बड़े सुपरस्टार के मैनेजर जब हटते हैं तो उनके ऊपर इंजाम लगा दिया जाता है कि वो इतने करोड़ का घोटाला करके गायब हो गए। जिस चीज में नॉलेज नहीं होता है ना उस पर ज्ञान नहीं बकना चाहिए। आस्था सिंह जी को इस फिल्म में जो है किस तरीके के रोल में जो है हम लोग देख सकते हैं? यही रोल है, साधारण सिंपल लड़की है जिसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। और पवन जी से? जी बिल्कुल। मुझे इतने बड़े बड़े बैनर में मौका दिया गया, पवन सर के मूवी में मौका दिया गया, तो ये बहुत अच्छा था। और उसमें सपोर्ट सबका बहुत था। पवन सर ही मुझे, क्योंकि अभी क्या था, वो पहला था तो डायलॉग डिलीवरी विलीवरी इतना नहीं आता था, लेकिन सबने बहुत सपोर्ट किया। हवा साइंस है, इतना ट्रेंड कर रहा है, मार्केट में इतना बवाल मचा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि वैसे तो हम लोग को उम्मीद पहले ही थी, बहुत उम्मीद थी इस गाने से, और उस उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। मतलब तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ भोजपुरी की ब्यूटी क्वीन हमारे साथ आस्था सिंह जी हैं स्टार न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज आपके फिल्म का जो है फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जितना प्यार और जितना सपोर्ट उस फर्स्ट लुक को पूरी इंडस्ट्री दे रही है, क्योंकि मेरे पास दसों कोलैबोरेशन आए हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। स्पेशली आम्रपाली जी ने तो मुझे मेंशन किया कि मेरा डेब्यू हो रहा है इसमें, तो यही प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद पूरी मूवी के लिए है। कितना अच्छा लग रहा है, भोजपुरी के जितने सुपरस्टार हैं सब लोग बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आस्था सिंह जी को इस फिल्म में जो है किस तरीके के रोल में जो है हम लोग देख सकते हैं? यही रोल है, साधारण सिंपल लड़की है जिसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। और पवन जी से? जी बिल्कुल। बस इसी पे मूवी है, बाकी आप मूवी देख लीजिएगा, ज़्यादा खुलासा नहीं करेंगे। बहुत टैलेंटेड हैं आप, पूरा एकदम जवाब एकदम शॉर्टकट में और बचते बचते पता नहीं कितने खुलासे पे निशान सर का फ़ोन आ जाए, इतना नहीं बोलना था। अच्छा, कैसा लगा पवन जी के साथ इस फिल्म में काम करके? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा एज ए लीड पहली मूवी थी और बहुत ही बड़े बैनर, बहुत ही बड़े डायरेक्टर और बहुत ही बड़ा टीम, तो मेरे लिए बहुत ही नया था। और मेरे लिए सबसे यही था कि मुझे इतने बड़े बैनर में मौका दिया गया, ठीक है, एक बिगिनर को इतने बड़े बैनर में मौका दिया गया, पवन सर के मूवी में मौका दिया गया, तो ये बहुत अच्छा था। और उसमें सपोर्ट सबका बहुत था। पवन सर ही मुझे, क्योंकि अभी क्या था, वो पहला था तो डायलॉग डिलीवरी विलीवरी इतना नहीं आता था, लेकिन सबने बहुत सपोर्ट किया। यानी कि सबके सपोर्ट से जो है बहुत अच्छा कर पाई है? बहुत अच्छा कर पाए हैं सबके सपोर्ट से ही। अच्छा, इस फिल्म में पवन सिंह जी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, वो सीन जो है बहुत वायरल हुआ, उसको लेकर कहेंगे? वो सीन पे मेरे पास भी 2-3 क्लिप है। मैंने अभी उसको पोस्ट नहीं किया है, वही है, पता नहीं कहाँ से डाटा आ जाए, लेकिन मैं करूँगी। और वो सीन हम लोग के लिए बहुत ही कॉमेडी सीन था, मतलब क्या हो रहा है वाइट सीन में, क्या बातचीत हो रही है, तो बहुत अच्छा प्यारा सीन था। अच्छा, आज आपको देख रहे हैं कल्लू जी साइकिल चला रहे हैं, हाँ। आप साइकिल पे बैठी हैं, हाँ। ये गाना जो है कितना मज़ेदार होने वाला है ऑडियंस के लिए? ये गाना बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम मेरे और कल्लू जी के जो जोड़ी को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस पर हम लोग इस जोड़ी को कायम रखने के लिए और मेहनत करते जा रहे हैं, तो ऑडियंस को कुछ अच्छा था देते जा रहे हैं। अब तक आप देखेंगे हवा साय साय में कुछ हाई फाई लुक था, VIP लुक था और ये वो, मतलब चकाचौंध था, अब ये बिल्कुल देसी स्टाइल में। हवा साय साय भी लगभग देसी ही था, लेकिन ऑडियंस को बेहद पसंद आया। देसी था लेकिन उसका जो रिचनेस है वीडियो में वो नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि वो उसको आप देख सकते हो ना कि मतलब वो शहरी टाइप का दिख रहा है। मेरे कहने का बस यही मतलब है कि वो शहरी टाइप का दिख रहा है और ये जो रहेगा बिल्कुल देसी टाइप का रहेगा, तो ये डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, हवा साइंस है, इतना ट्रेंड कर रहा है, मार्केट में इतना बवाल मचा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि वैसे तो हम लोग को उम्मीद पहले ही थी, बहुत उम्मीद थी इस गाने से, और उस उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। मतलब और जो स्टेप था हम लोग का, जो हम लोग नेक्स्ट लेवल, यानी कि जब गाना सुनी थी ऑडियो उसी टाइम में ये हो गया था, इमेजिन कर ली थी कि भाई गाना बवाल मचाने वाला है। हाँ हाँ, एकदम श्योर थे भाई, पूरी टीम श्योर थी कि ये बवाल ही मचाएगा, और मचा दिया। अच्छा, अभी और जो है कौन कौन सा गाना जो है पवन जी के साथ आस्था सिंह जी का आने वाला है, जो लगभग शूटिंग हुआ होगा पहले? देखिए, अभी एल्बम तो कोई ऐसा शूट नहीं हुआ है, अब देखिए कब शूट होता है। मूवी के गाने आएंगे, जैसे आपने अभी पावर स्टार मूवी का गाना देखा, और एक मूवी का गाना
इतना अच्छा जाना, पहले दिन में ही उस पर 3 मिलियन व्यूज़ थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक मूवी के गाने के लिए बहुत प्यार मिल रहा है हम लोग की जोड़ी को। जितने मैंने रिव्यूज़ देखे, जैसे आप लोग जो रिव्यूज़ देते हैं, मैंने रिव्यूज़ देखे, कई रिव्यूज़ बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे थे। मैं उनको भी रिव्यूज़ भी अपने स्टोरी पे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाने ऐसे ही मूवी के आने वाले हैं। अभी एल्बम कोई शूट नहीं हुआ है, हो ही जाएगा। अच्छा, अक्सर करके हम लोग देख रहे हैं आस्था सिंह जी जिस गाने में काम कर रही है वो गाना मार्केट में ब्लास्ट हो जा रहा है। अच्छा, गाने ही आस्था सिंह जी ऐसा सिलेक्ट करती हैं या आस्था सिंह जी उस जिस गाने को कर देती है वो गाना बवाल मचाता है? नहीं नहीं, इसके पीछे बस एक ही राज है कि अंकुश सर बोलते हैं और वही बात है कि दो सर चीज़ बनी हम बस यानी कि नहीं है। आस्था सिंह जी वो चीज़ है जो अगर मिट्टी को भी छुएंगे तो सोना हो जाएगा। ओहो, ऐसा ही हो, दो सर चीज़ बनी हम लेकिन कौन चीज़ है वो नहीं बताना है। नहीं नहीं, बस दो सर चीज़ बनी हम। अच्छा, एक सवाल हर बार आपसे कमेंट में पूछा जाता है, रील्स के भी और गाने के भी। आस्था सिंह जी भोजपुरी में कौन सी ऐसी अभिनेत्री है जिनको फॉलो करती है? आम्रपाली जी, मैंने एक बार नहीं हज़ार बार बोला है, आम्रपाली जी, आई लव 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 दैट लेडी। अमरपाली जी को फॉलो करती हैं आस्था सिंह जी? बिल्कुल एकदम। आपको एक्सप्रेशन में दिखता भी होगा कहीं कहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनसे कुछ सीखने का, कॉपी करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि कॉपी करने से ओरिजिनलिटी मर जाती है और मैं अमरपाली जी नहीं बन सकती, तो कॉपी करने का खुद तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ उनसे सीखती बहुत कुछ हूँ। अच्छा, अभी और दूसरा कौन कौन सा मूवी जो है लगभग प्लानिंग चल रहा है शूट होने का? बहुत सारा प्लानिंग चल ही रहा होगा लगभग। मूवी का क्या है ना, मैं मूवी हम प्लान नहीं करते हैं, मौसम के हिसाब से करते हैं बहुत गर्मी हुई तो मूवी कर लेते हैं तो यही है, बाकी तो अभी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं चल रही है। मूवी मेरी आने वाली बहुत सारी हैं, जैसे सबके साथ है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों के साथ है, चिंटू जी के साथ है, पवन जी के साथ आ ही रही है, और कल्लू जी के साथ है, तो और अंकुश जी के साथ अभी बात हो रही है एक करने का, समर जी के साथ बात हो रहा है एक मूवी करने का, तो ऐसा ही आता जाएगा। चलिए, अभी हम लोग लगभग शूटिंग सेट पे ही हैं, हाँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम का जो है किल्लत है, क्या कहेंगे अंततः? यही कहेंगे कि मेरे पावर स्टार के गाने को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे हवा साय साय को इतना प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद, और एश सोना जो मेरा गाना है अंकुश जी के साथ, उसको भी आपने ने भर के प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सूर्यवंशम का मेरा फर्स्ट लुक वायरल हुआ है, मतलब सॉरी आउट हुआ है, तो उसको भी सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो बस ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही प्यार पूरी इंडस्ट्री, पूरी जनता जनार्दन हम लोग को दे, हम लोग को करे। हम लोग कलाकार हैं, इसी पे डिपेंड करते हैं, प्यार मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो रुक जाएंगे। अच्छा, तो देते रहिए। एक सवाल आपसे जरूर रहेगा, आपका मन होगा तो जवाब दीजिएगा, नहीं मन होगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी बड़े सुपरस्टार के मैनेजर जब हटते हैं तो उनके ऊपर इंजाम लगा दिया जाता है कि वो इतने करोड़ का घोटाला करके गायब हो गए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पे देखिए, मेरा कुछ जिस चीज़ में नॉलेज नहीं होता है ना, उस पे ज्ञान नहीं बकना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, बस हाँ जो है वो सब कुछ है, जो नहीं है वो भी ठीक है, वो आ ही जाएंगे। अभी हाल ही में आपने देखा पवन सिंह जी के टीम से दीपक सिंह जी बोल रहे हैं कि आउट हो गए हैं, और बहुत सारा जो है सोशल मीडिया पर तरह तरह की बात चल रहा है, क्या जो उनके ऊपर इंजाम लग रहा है सही है या गलत? देखिए, दीपक सर हमसे जब भी मिले हैं बहुत अच्छे से मिले हैं, पवन सर के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है, अच्छा ही सोचा है, तो पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कितना भी शोर शराबा होता रहे, वो लोग भाई हैं और आज नहीं तो कल एक हो जाएंगे, और होना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ आस्था सिंह जी, थोड़ा टाइम का जो है किल्लत है इसीलिए इंटरव्यू को जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है। तो चलिए, आस्था सिंह जी थी, इनके बातों से आप कितने सहमत हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।